Hello and welcome to Student Schedule. So in this class we will discuss about Swedberg unit or coefficient or sedimentation coefficient. तो जो थंबनेल आपने देखा है 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, sorry 90s तो नहीं 80s थे। ये s का मतलब क्या है, 80 का मतलब क्या है, 30 का मतलब क्या है, 40 का मतलब क्या है, वो समझेंगे आज इन दिस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। Swedberg unit or sedimentation coefficient, ए दो पॉइंट है, पहले वो समझेंगे, डायरेक्ट मेजर और एक इनडायरेक्ट मेजर। डायरेक्ट मेजर किसका है, फॉलिंग वेलोसिटी का, और फॉलिंग वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशियंट। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशियंट। लिखा भी मतलब ये जो ATS मैंने अगर बोला तो ये S को स्वेडवर यूनिट बोलते हैं, ठीक है, और सेडिमेंटेशन कोफिशियंट। सेडिमेंटेशन कोफिशियंट क्या है, स्वेडवर यूनिट क्या है, अभी बोलो। स्वेडवर यूनिट मतलब 80s 90s, ये जो मतलब क्या, जो स्वेड मतलब ये जो S लिखा है, मतलब जो क्या राइबोसोम का जो लिखा है 70s 80s, ये 30s, ये 40s, ये 50s, ये 60s, ये डिस्कवर कौन किए थे, स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, वो डिस्कवर किए थे, उनके नाम से ही उनका काम दिया है, क्या दिया है, स्वेडबर्ग यूनिट, समझ गए। ओके, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्यों दिया है, पहले एक बात समझो। तो तुमने मतलब लेबोरेटरी कभी गए होगे केमिस्ट्री लैब, तो उसमें ही मतलब बड़े लैब में क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब देखा होगा, टेस्ट ट्यूब ऐसे ऐसे देखा होगा, ऐसा टेस्ट ट्यूब होगा, ऐसे होता है टेस्ट ट्यूब, ठीक। हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसे, ऐसा सब टेस्ट ट्यूब इधर लगाते हैं, ठीक है, ऐसा सब टेस्ट ट्यूब लगाते हैं, ये स्टैंड है, ऐसे रहता है मतलब नीचे रहता है, ये टेस्ट ट्यूब ऐसे लगाता है। तो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, तुमने प्रोकैरियोट जानते हो, यूकैरियोट भी जानते हो, बात कर चुके हैं डिफरेंस भी, मतलब क्या बता चुका हूँ। तो उसका जो ऑर्गेनेल्स है, कौन सा ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम भी सेल ऑर्गेनेल, हाँ है। तो हमने क्या किया, प्रोकैरियोट एक सेल लिया, लिया उसको मैंने क्या किया, तोड़ दिया, क्या कर दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया मैंने, ब्रेक कर दिया उसको। तो ब्रेक करने में मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया अलग, लाइसोजोम अलग, राइबोसोम अलग, न्यूक्लियस अलग, ब्रेक कर सकते हैं, एडवांस में हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद मैंने क्या किया, राइबोसोम, राइबोसोम को मैंने क्या किया, इधर रख दिया, इधर इधर रख दिया, मैंने लाया प्रोकैरियोट का इधर रख दिया, यूकैरियोट को भी वैसे मतलब क्या तोड़ दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे राइबोसोम मतलब क्या टेस्ट ट्यूब के ऊपर इधर रख दिया। अच्छा छोड़ो ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुम बॉर्नविटा पीते होगे, कॉम्प्लेंट पीते होगे, हॉर्लिक्स पीते होगे, तो बॉर्नविटा पकड़ो क्योंकि उसका थोड़ा बड़ा दाना होता है। तो जब तुम पहले दूध लेते हो, ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, ऐसे ऐसे लिए ना दूध, लिए ऐसे दूध लिए, इधर ले गए दूध, उसके बाद क्या चम्मच में वो बोनविटा मिला देते हो। जब ऐसे मिलाते हो, ऐसे मिलाते हो मतलब क्या, ऐसे राउंड 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 करते हो, क्योंकि क्योंकि क्यों करते हो, ताकि वो मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से यहाँ तक पूरा मिक्स हो जाए, टॉप टे बस मतलब टॉप से बटन तक पूरा मिक्स हो जाए, इसलिए तुम मिक्स करते हो ना ऐसे राउंड राउंड करते हो। तो देखोगे जब मतलब एक बार डालोगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे घूम घूम कर घूम घूम ऐसा आ जाएगा, इधर क्या बड़े बड़े पार्टिकल्स आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे मिडिल में, ऐसे होगा कुछ, ऐसे देखे होगे, ऐसे घूम रहा मतलब क्या घूम रहा होगा। तो उसका उसको छोड़ने से क्या होगा, देखे देखे होगे ऐसे 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 नीचे आएगा, कैसे आएगा, ऐसे 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 आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा नीचे, ठीक है। पहले स्टीयर किया, उसका छोड़ दिया, तो बड़े पार्टिकल्स मिडिल में आ गए, उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय के बाद अगर छोड़ दोगे ना पीकर, तो छोड़ने के बाद क्या होगा, आराम से धीरे 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 नीचे आ जाएगा।
तो नीचे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा सेडिमेंटेशन, मतलब करते मतलब क्या, सैंड लो और क्या पानी लो, मिक्स कर लो, उसके बाद देखोगे सैंड धीरे 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 क्या सेडिमेंट हो जाएगा नीचे, ऐसे सेंटेंस पढ़े होगे, ठीक है। नीचे मतलब रह जाता है और पानी ऊपर रहता है, क्यों वो है भे? मतलब अलग है, छोड़ो। तो ऐसे ही होता है इधर, ऐसे ही इधर होगा। क्यों है? इधर ऐसे होगा, सेंट्रीफ्यूगल जानते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा छोड़ो, तुमने कभी मेला गए होगे, एक झूला होता है राउंड राउंड, ऐसे राउंड होता है, ऐसे देखे होगे, ऐसे होगा, ऐसे राउंड मतलब उसका बेस होता है, इधर एक मतलब क्या उसका पोल होता है, इधर बड़ा सा एक ऊपर सा होता है, और इधर आकर इधर कुछ मतलब क्या कोई एनिमल होगा या कार होगा या बाइक ऑटो, ऐसे सब रहता है ना, खिलौना रहता है। उसके बाद क्या बच्चे इधर आकर ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं ना, ऐसे घूमते हैं। तो जब घूमते हो उसका तुमको मतलब कैसा लगता है, तुम अंदर जा रहे हो या बाहर, मतलब कोई तुमको मतलब क्या पकड़ के खींच रहा है तुमको बाहर, या कोई अंदर तुमको घसीट रहा है? बाहर लगता है ना, जैसे तुम अभी मतलब निकल जाओगे बाहर, उड़ जाओगे, है उड़ जाओगे यहाँ से, और तुम मतलब ये छोड़ दोगे तो उड़ जाओगे यहाँ से, उड़ जाओगे। तो तुमको क्या लगता है, बाहर तरफ लगता है ना सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल क्या अंदर रहता है, ठीक है। वैसे हम क्या करेंगे, राइबोसोम को मतलब एक सेल ऑर्गेनेल, उसको क्या करें, इसके ऊपर रख दिया, किसको रख दिया, टेस्ट ट्यूब के ऊपर रख दिया, इसके ऊपर मैंने रख दिया प्रोकैरियोट, इधर रख दिया यूकैरियोट, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मतलब क्या टर्न किया, मतलब ऐसे राउंड 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 किया, ओके घुमाया उसको बहुत स्पीड, घुमाया बहुत स्पीड, ठीक है बहुत स्पीड घूमेगा, मतलब ऐसा ऐसा नहीं घूमेगा। उसका मतलब क्या, एक फ्रेम होता है उसके अंदर रखते हैं, उसके बाद मतलब वॉशिंग मशीन देखे हो ना जैसे, हाँ वैसे वैसे बहुत स्पीड घूमता है। उसके बाद घूमता है जब है, इधर इधर तुम इधर घुमा घुमा रहे थे, क्या हुआ इधर इधर ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, तो मतलब क्या बड़े पार्टिकल्स क्या हो रहा था, इधर मिडिल में आ गया, तो इधर जो मैंने डाला तो ये मिडिल में आ जाएगा, बड़े पार्टिकल्स मतलब एक ही पार्टिकल दिया ना, तो क्या होगा इधर मिडिल में आ जाएगा। उसके बाद हम छोड़ देंगे उसे, जैसे मैंने बोला था इसको छोड़ दोगे नाक पीकर, वैसे हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, वो धीरे 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 नीचे सेटल हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा नीचे सेटल हो जाएगा। तो नीचे सेटल होना मतलब सेडिमेंट हो गया, सेडिमेंट हो गया, इसलिए बोलते हैं उसको क्या, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, मतलब सेडिमेंट जो हुआ उसका जो कोफिशिएंट, ओके कोफिशिएंट क्या है, एटीएस, मतलब एटीएस ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, फ्रेडबर्क यूनिटी बोलते हैं, और एटी उसका क्या हो गया सेडिमेंट, मतलब ये सेडिमेंटेशन, ये इसका कोफिशिएंट, इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इधर क्या दिखा है, डायरेक्ट मेजर ऑफ फॉलिंग वेलोसिटी। ये फॉलिंग वेलोसिटी मतलब क्या है, अरे वही तो हम अभी समझाया, फॉलिंग वेलोसिटी मतलब फॉलिंग मतलब नीचे गिरा, उसका वेलोसिटी जिसमें बड़ा वेलोसिटी, फॉलिंग वेलोसिटी नीचे गिरने का स्पीड, इधर नीचे गिरने वाले हो गया, नीचे गिरने का स्पीड, नीचे गिरने का स्पीड उसको क्या बोलोगे, फॉलिंग वेलोसिटी, क्या बोलोगे फॉलिंग वेलोसिटी, फॉलिंग वेलोसिटी को और क्या बोलोगे, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, अभी समझाया तुम, ऐसे ही होता है। उसके बाद पता चलता ही है, मतलब मतलब एक इधर राइबोसोम रख दिया, देखिए एटीएस से गिर रहा है, मतलब इधर से इधर जो टाइम लगा, इधर से इधर टाइम लगा, मतलब कौन से स्पीड में जा रहा है, मतलब जैसे तुम गए होगे मतलब बाइक में, बाइक या स्कूटी या कुछ भी व्हीकल में, तो जब चला रहे होगे उसका किलोमीटर पर आवर कुछ आता है ना रीडिंग, एक किलोमीटर पर आवर क्या एक यूनिट है, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, मत जाना इतना, वो सब क्या है कोफिशियंट है उसका, उसका कोफिशियंट है ना, वैसे ही ये क्या है सेडिमेंटेशन कोफिशियंट, मतलब इसका स्पीड किसके कौन सा यूनिट हम मतलब मेजर करेंगे, स्वेडबर्ग यूनिट, समझ गए। मैं बाइक चला रहा हूँ या स्कूटी चला रहा हूँ, उसका यूनिट मतलब कैसे मैं मेजर करूंगा, कि किलोमीटर पर आवर, अगर मैं साइकिल चला रहा हूँ मीटर पर सेकंड, मतलब वैसे मैं देखूंगा मेजर करूंगा। तो इसके लिए क्या करोगे तुम, इसके लिए क्या करोगे, स्वेडबर्ग यूनिट लगाओगे, मतलब उसको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट है, स्वेडबर्ग यूनिट है, ठीक है। तो एटीएस उसका मैग्नीट्यूड हो गया, एस उसका क्या मतलब यूनिट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो फॉलिंग वेलोसिटी कितना है, मतलब सोचो एटीएस शायद क्या है, एटीएस शायद है, तो डायरेक्ट मेजर क्या है, फॉलिंग वेलोसिटी,
और इसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। साइज और डेंसिटी का इनडायरेक्ट मेजर है, और फॉलिंग वेलोसिटी का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का और है डायरेक्ट मेजर। मतलब क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब स्वेडबर्ग यूनिट डायरेक्ट मेजर ऑफ व्हाट, साइज डेंसिटी फॉलिंग वेलोसिटी, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो तुम क्या करोगे, साइज एंड डेंसिटी, इनडायरेक्ट मेजर, डायरेक्ट मेजर क्या, फॉलिंग वेलोसिटी, ऐसा आ जाएगा। अब समझेंगे क्या साइज और डेंसिटी, सॉरी हाँ ये तो देख लिया। अब क्या समझेंगे, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ये तो समझ चुके हैं, इसमें क्या समझेंगे, समझेंगे मतलब क्या सिमिलर है इसमें, कौन सा मतलब कितना इसका मिलता है राइबोसोम, 7 days, इसका क्या 8 days, तो 70s 80s का क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, और थोड़ा आगे भी है वो समझेंगे, ठीक है। तो अब हम समझेंगे क्या 70s और 80s का डिफरेंट, मतलब डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, वो तो थोड़ा सा है अब। ओके स्टार्ट करते हैं। तो ये 70s है, ये 80s है, ये दो मिलकर 70s होगा, ये दो मिलकर 80s होगा। ये लार्जर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है, इसका ये लार्जर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है, ऐसे होता है ना, ऐसे एक लार्ज होता है उसका स्मॉल होता है, दो होता है। अच्छा तो डिफरेंस पहले समझेंगे, इसका साइज और इसका डेंसिटी, इसका साइज और इसका डेंसिटी में अंतर क्या है बताओ। बहुत सिंपल है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये लिख दो, ये स्मॉल है, ये बिग है। इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी में क्या फर्क है बता, बताओ बताओ बताओ, सिंपल। अरे स्मॉल साइज है, देखो स्मॉल साइज है तो डेंसिटी क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल तो डेंसिटी में लगेगा नहीं, क्या होगा लेस, क्या होगा, क्या होगा लेस, उसका क्या होगा बिग है, तो होगा क्या डेंसिटी मोर, इसका डिफरेंस खत्म हो गया, डिफरेंस खत्म। अब सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस तो देख लिया, साइज इसका स्मॉल, इसका बिग, डेंसिटी इसका लेस, इस उसका क्या मोर, और इसका सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी कुछ दिखाई दे रहा है, ये तो 70s है, ये 80s है, इसका तो साइज सब तो अलग है, सेम क्या है, सेम क्या है, ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं दिख रहा, मैं साइज का बात नहीं कर रहा, मैं शेप का बात कर रहा हूँ, ये जैसा दिख रहा है वो ये वाला ऐसे वैसा नहीं दिख रहा, वैसे ही दिख रहा है, लार्ज यूनिट है, लार्ज यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, ऐसे लगा है, ऐसे लगा है, तो सेम क्या हो जाएगा डिजाइन, सेम क्या हो जाएगा डिजाइन। अच्छा और सेम क्या दिख रहा है, और सेम क्या दिख रहा है, और सेम इसमें क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अच्छा से देखो इसमें डिजाइन सेम है और क्या सेम है, ये दोनों क्या है, दोनों क्या मतलब राइबोसोम है ना, हाँ राइबोसोम, राइबोसोम करता क्या है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये क्या करता है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कुछ और होगा क्या, तो इसका फंक्शन एक ही है ना, हाँ फंक्शन फंक्शन, तो ये तो हमको समझ में आ गया डिफरेंस क्या है, साइज और डेंसिटी में डिफरेंस है, सेम क्या है, फंक्शन और डिजाइन सेम है। अब जो मैं बात बोल रहा था, एक बात है वो एक बात समझेंगे, पहले इसे मिटा लें, गंदा लगेगा ना, क्लीन होगा उतना अच्छा। हाँ तो 70s 80s कैसा है यार, तुमने मैंने देखा ना 30s 40s लिखा है, 50s लिखा है, 60s लिखा है, 70s 80s सब लिखा है,
तो 70s कैसे आया बोलो, जल्दी 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 बोल दियो, बोलो 70s कैसे आया। और 80s कैसे आया, पढ़ा होगा वैल्यू पढ़ा होगा, 50 और 30, लार्जर यूनिट 50s और स्मॉलर यूनिट क्या 30s, लार्जर यूनिट 50 स्मॉलर यूनिट क्या 30, ओके 30 40 50 60 70 80, मतलब क्या ये 6 ही है, 6 मतलब 70 और 80 टोटल है, 30 और 50 मिलकर 70s होगा। अच्छा और बच गया क्या 40 और क्या 60, तो 60 ये होगा लार्जर यूनिट, ये होगा 60s, और 40s क्या होगा स्मॉलर यूनिट होगा। हाँ ये तो समझ में गया, ये 30 ये 40 उससे बड़ा था, ये 50 ये 60 उससे बड़ा नहीं, ये इसका मतलब समझा ना, स्वेड वर्क यूनिट और कोफिशिएंट, मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या है, ये दोनों मिलने से 80s होगा, ये दोनों मिलने से 70s होगा, मतलब इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 50 + 30 = 70, इसका क्या मतलब 60 + 40 = क्या 80, ये बोल रहा हूँ ना, गलत हो गया ना बाय स्टूडेंट ना, मैथ नहीं आता इसलिए गलत हो गया, ये कितना होगा 80 होगा ना, ये 80 होगा, हाँ ठीक, और ये 70 होगा ना, नहीं नहीं ये तो 100 होगा, समझाता हूँ, तुम हो और तुम्हारा एक छोटा भाई, हाँ तुम हो ओके, और तुम्हारा एक छोटा भाई, ओके तुम एक कोचिंग जाते हो, ये कोचिंग सेम कोचिंग, तुम मॉर्निंग जाते हो मतलब सुबह जाते हो, और ये इवनिंग को जाते हो मतलब शाम को जाते हो, ठीक है, तुम कैसे जाते हो बाइक से जाते हो, ओके, और तुम्हारा छोटा भाई किससे जाता है साइकिल से जाता है, कोचिंग कैसे, ठीक समझा, ओके 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 ओके, मंडे से सैटरडे तक तुम्हारा मतलब क्या सुबह क्लास होता है, और तुम्हारा छोटे भाई का शाम को क्लास होता है, तो वो शाम को जाता है, पर तुम्हारा मतलब जो कोचिंग है वो संडे को टेस्ट रखता है, और संडे मतलब सभी क्लास, मतलब तुम अभी 11 हो, तुम्हारा छोटा भाई 5 या 6 जो भी क्लास में है, सब क्लास मतलब जितना भी क्लास वो कोचिंग में है, सुबह टेस्ट होता है, मतलब एक ही टाइम, मतलब 7 बजे या 8 बजे मान लो, तो एक ही टाइम है, तो तुम क्या बोलोगे अपने छोटे भाई को, तू चल मेरे साथ आज, क्यों चल, क्यों बेकार में साइकिल करके इतना जाएगा, पसीना लाएगा, है आराम से चल स्कूटी में बैठकर, मतलब क्या बाइक में बैठकर जाएंगे आराम से, तो ये आ गया तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारे बाइक में, ठीक है ये तुम्हारा बाइक है, सोच लो ठीक है, ये हैंडल है, ये तुम बैठ गए, ये तुम्हारा छोटा भाई, तुम अब चलाओगे, जब तुम चलाओगे और ऐसे मतलब थ्योरेटिकल मतलब पूछूंगा, तो तुम बोलोगे, अगर मैं पूछूंगा तुम बैठे हो और गए मतलब क्या, हाँ 50 के स्पीड में 50 किलोमीटर पर आवर, और तुम्हारा छोटा भाई बैठ गया तो कितने किलोमीटर पर आवर में जाओगे, क्वेश्चन है कितना, नहीं ज्यादा या कम, तुम बोलोगे कम, क्यों थ्योरेटिकल बोलोगे, हाँ तो वो बैठ गया वजन होगा तो, और प्रैक्टिकल बोलो कम होता है, ये तुम्हारे ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा चला नहीं चलते, सब कट 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 चला देते हो, चला दो कि नहीं चला देखो, तो तुम्हारा स्पीड बढ़ा या स्पीड कम, प्रैक्टिकल बोलो, जब बैठाते हो छोटा भाई तो थोड़ा है मतलब थोड़ा ही स्पीड बढ़ेगा, अगर कोई और बैठ गया हाँ वही तो स्पीड और भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, वैसे ही इसका भी कुछ चक्कर है, वो भी इंक्रीज होता है, कैसे इंक्रीज है तो बताऊंगा, तुम्हारा कितना 50s मतलब 50 किलोमीटर पर आवर, और तुम मतलब तुम्हारा छोटा भाई कैसे कितना जाता है 30 किलोमीटर पर आवर, ये साइकिल जाते हैं, तुम बाइक से जाते हैं, तुम मॉर्निंग जाते हो ये इवनिंग जाते हैं, अलग अलग होता है, पर तुम जब सेम में गए मतलब क्या सेम टाइम में गए,
एक ही मतलब क्या व्हीकल में बैठकर गए तो तुम स्पीड बढ़ा दिए या कमा दिए, इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, बढ़ा दिए इंक्रीज कर दिए, तो ये 70 80 मतलब 70 और 30 तुम 50 से जाते हो मतलब 50 से जाते थे, ये 30 से जाता था। पर आज मतलब संडे है और सुबह तुम निकले 7 बजे 8 बजे टेस्ट है, उसको पीछे बिठाया और चले, कितने स्पीड में चले 80s मतलब 80 के स्पीड में चले, 80 के स्पीड में चले, 80 के स्पीड में चले, 80 के स्पीड में चले ना, समझ में नहीं आया ना, मैं जानता था समझ में नहीं आएगा, बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ। तुम्हारा मतलब क्या पापा की कार है, ये कार है ठीक है, ये तुम्हारे पापा है, ये क्या चलेंगे अभी कार, हो गया अभी चलेंगे कार। उनको उनका ऑफिस कब है, संडे भी है, सोचो संडे भी है, 7-8 बजे है, तुम्हारा जब टेस्ट है, तो वो क्या बोलेगी, तुम दोनों मेरे कार में आ जाओ, तुम दोनों मेरे कार में आ जाओ, मैं उधर ड्रॉप कर दूंगा, तुम मेरे कार में आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तुम क्या बोले, हाँ अच्छा है, मुझे बाइक भी नहीं चलाना पड़ेगा, तुम्हारे छोटा भाई को साइकिल भी नहीं चलाना पड़ेगा, अच्छा है, तो बैठ गए तुम भी, जो ये तुम बैठ गए, ये तुम्हारा छोटा भाई बैठ गया, ये आई नहीं, ये इंसान है तुम। जब चले तो तुम्हारा है पापा कितने स्पीड में गए, 80 के, मतलब 80 के स्पीड में। तो अगर तुम्हें कोई पूछेगा तुम कितने स्पीड में आए, तुम क्या बोलोगे, 80 के बोलोगे, 80 के बोलोगे, क्या बोलोगे, मेरे पापा का 80, मैं जाता था 50, मेरे भैया मतलब छोटा भाई जाता था 30, इसको मिलाकर उसके बाद बोलोगे कितना, है ना, वही बोल रहे हो ना, तुम्हारे पापा का 30, तुम्हारा 50, तुम्हारे छोटा भाई का 30, उसके बाद बोलोगे जो टोटल आएगा, हम उतने स्पीड में आ रहे थे, हम उतने स्पीड में आ रहे थे, नहीं बोलोगे 80 बोलोगे, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर हम इसको गिराएंगे, इसको पकड़ो, अगर ऐसे जो था ना इधर था और इसको मतलब क्या गिराएंगे छोड़ देंगे तो वो 30 की स्पीड में गिरेगा, इसको छोड़ेंगे तो 50 की स्पीड में गिरेगा, और इसको साथ में गिराएंगे कितना स्पीड में जाएगा, 70s, इसको मिला दोगे 50, 30, 80 कितना स्पीड आ जाएगा, 70। अरे एक ही व्हीकल में गए ना, मतलब इसको अकेला छोड़ दिया, ऐसे अकेला छोड़ दिया तो 30 में गया, इसको अकेला छोड़ दिया 50 में गया, इसको दोनों एक साथ गिरा, मतलब गिरा नहीं रखो गिर जाए अपने इधर रख दिया, मतलब ऐसे ही ना इधर ऐसे रख के, हाँ तो वो जो नीचे गिरेगा कितने स्पीड में गिरेगा, 70s टोटल आएगा क्या, 70s 50, 30, 80 की स्पीड में, वैसे ही 60s और 40s मिलाने से 10s मतलब क्या है, सॉरी 100s 100s तो ना ऐसे ऐसे मिलाकर तुम बोलोगे, कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे, इधर रख दिया 60, इधर रख दिया 40, तो ये 60 में गया, ये 40 में गया, एक रख दिया 60 में गया, एक रख दिया 40 में गया, और दोनों के एक साथ रख दोगे तो कितने में जाएगा, 80 में जाएगा, कितने में जाएगा, 80 में जाएगा, तो इसको मिलाना नहीं यार, मतलब रटना भी नहीं, 50, 30 क्या होगा, 70, 60, 40 क्या होगा, 80। तो आज का टॉपिक क्या था, हमारा राइबोसोम था, मतलब स्वेडबर्ग यूनिट था और राइबोसोम था, मतलब थोड़ा सा ही, मतलब मैं राइबोसोम थोड़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ शायद, और भी है, आराम से हम बात करेंगे उसके बाद, मतलब जो आने वाला है वीडियो सब। तो आज का मतलब क्या टॉपिक था, मेन टॉपिक था स्वेडबर्ग यूनिट जो खत्म हो चुका है, तो मतलब कल का टॉपिक हटका थोड़ा है तो देखना मत भूलना, तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहे और मेहनत करते रहे, बाय बाय।